हेलो फ्रेंड्स, सोनास क्रिएटिविटी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करेंगे, देखिए ये टोरन का डिज़ाइन जो इतना हमने बना करके कंप्लीट कर लिया है। देखिए इतना बना लिया है, अभी देखिए हमने इतना बना लिया है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी थोड़ा सा दो तीन और हमको लरी बनानी है, उसके बाद जाके टोरन कंप्लीट होगा, तो टाइम लगेगा, प्लीज़ आप वेट करिए। बहुत ही प्यारा गेट पर्दा डिज़ाइन कंप्लीट होने वाला है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ। देखिए आपको बता दूँ कितने कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3 तीन, देखिए तीन, ये बड़ा हो गया है थोड़ा, तीन हो गया, ये 4 5 6 7 देखिए 8, ये देखिए 8 बन करके, ये 8 लरी बन करके कंप्लीट हो गई है। ये देखिए 8 बन गई है, पूरी 8 है। इसमें हमारे 2 लच्छे लग गए हैं, 2 से ज़्यादा लग गया है, 1 लच्छा और लगेगा तब जाके ये कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। टोरन डिज़ाइन बहुत ही, गेट पर्दा का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बन करके कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये गजला वाला गेट का टोरन डिज़ाइन। देखिए आप इसका चाहे तो जैसे बन क्या है, देखिए आप इसकी टोरन पट्टी भी बना करके गेट बना सकते हैं, जो हमने आपसे पहले बताया था ना कि आप इसका चाहें तो देखिए इस तरीके से ऐसे इसकी इसी की टोरन पट्टी बनाएंगे हम, टोरन पट्टी का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए इसका ही आप टोरन पट्टी बना लीजिए ऐसे, ये देखिए थोड़ा सा ऐसे करते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इसकी टोरन पट्टी बना लीजिए, और ये देखिए इस तरीके से इसी की हम टोरन पट्टी बना लेंगे, ठीक है। देखिए मानी मारी इसी की टोरन पट्टी बनकर कंप्लीट हुई है, ये देखिए इसकी टोरन पट्टी बना लेंगे हम ऐसे। और यहाँ पे देखिए इसको आप जिस तरीके से चाहें गजले वाले को ऐसे बना करके लगा लीजिए। इसी में देखिए टोरन पट्टी की आपको आवश्यकता नहीं है बनाने की, हमने कहा था आपसे कि बिना टोरन पट्टी बनाए भी हम गेट की डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से बिना टोरन पट्टी बनाए भी आप गेट की टोरन की डिज़ाइन कंप्लीट, फैन चल रहा है इसकी वजह से थोड़ा ये उड़ रहा है, ये देखिए ऐसे इस तरीके से ऐसे। फिर आपको दिखाते हैं हम इसको 3 पार्ट्स में बना लीजिए, इस तरीके से कवर करेंगे सारा कुछ, ये देखिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब इसकी हम लॉन्ग वीडियो नेक्स्ट वाली वीडियो में अपलोड करेंगे, इसको कैसे स्टिच करेंगे, और आप टोरन पट्टी भी लगा सकते हैं, और ये देखिए झालर का ही हम बना के लगा सकते हैं, और ये जो इतना बड़ा है ना इसके 2 पार्ट्स करके, और देखिए बीच में से यहाँ से भी जैसे थोड़ा सा गैप देंगे ना, तो यहाँ से इसकी झालर है यहाँ तक निकालेंगे, ठीक है। ऐसे झालर, यहाँ झालर, तो उसमें पम फ्लावर लगाना है, इधर लगा तो 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर 3 पार्ट्स बनाएंगे तो 4, अगर 4 पार्ट्स में बनाएंगे तो 5 लगेंगे। और टोरन पट्टी आप मन करें तो इसका बनाइए, उसका मतलब बिगनर्स आसानी से बना सकते हैं, जिसको क्रोशिया चलाना नहीं आता है वो भी इस गेट पर्दे के डिज़ाइन को आसानी से बना सकता है, क्योंकि इसमें पूरा ही पूरा निडल का काम है, ठीक है, इसमें क्रोशिया का काम नहीं है। अगर आपको शौक़ है टोरन पट्टी बना के लगाने का, तो आप क्रोशिया से टोरन पट्टी बना करके लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।